एक तरफ जहां कोरोना महामारी का संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसके लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है और लोगों को अपने अपने घरों में ही रहने की अपील की जा रही है, ऐसी भयानक स्थिति में बहराइच में सोशल डिस्टेंसिंग को मुंह चिढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां ना तो लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। दरअसल महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों और फार्मासिस्ट के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद अस्पताल में काफी तोड़फोड़ की गई। घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इतना ही नहीं, डॉक्टरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव सहाय सिंह ने कहा कि वो स्टोर में बैठकर काम कर रहे थे, इसी दौरान कुछ जूनियर डॉक्टरों ने आकर स्टोर प्रभारी वीरेंद्र सिंह की पिटाई करनी शुरू कर दी, जिसके बाद स्टोर प्रभारी बुरी तरह जख्मी हो गया। हम अपने सेल्स कमरा नंबर 6 से 5 नंबर कमरे में अपनी कुर्सी पर जा रहे थे, तो एक डॉक्टर जो है वो जूनियर डॉक्टर है, तेजी डॉक्टर, वो सुई लगवाने आए तो असमत अली जिनका नाम है, वो कुर्सी के बगल में खड़े हुए थे। हमने कहा सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए थोड़ा पीछे हट जाइए, उसी पे वो नाराज हो गए और गाली गलौज करने लगे, यहाँ से चले गए। बाद में हम अपने स्टोर में बैठे काम कर रहे थे, वहाँ वो 25-30 रेजिडेंट डॉक्टरों को लेकर आए और वहाँ मारने लगे, सब लोग मिलके हमको मारे हैं और वहाँ कई लोग खड़े हुए। कितने लोगों ने आपको मारा? करीब 20-25 लोग रेजिडेंट डॉक्टर आए थे। सरकारी कर्मचारी डॉक्टर है? नहीं, वो रेजिडेंट डॉक्टर है, प्राइवेट प्राइवेट डॉक्टर है। ये कहाँ के हैं? सामान भी तोड़ दिए। JRSR बोले सर, वही जूनियर डॉक्टर। ये कहाँ के हैं? ये मेडिकल कॉलेज यहीं के हैं। अच्छा, तो आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे कि उनको या तो नोटिस निकाला जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, जब सरकार का नियम है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जाए, ऑन ड्यूटी कर्मचारी, तो वहाँ वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अगर कहा गया तो यहाँ गाली करो जो मारपीट करने के आए। तो क्या आप इमरजेंसी भी बंद हो गई? हाँ, इमरजेंसी सेवाएं भी हम लोग बंद कर दिए हैं, जब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं प्रशासन। जूनियर डॉक्टरों और फार्मासिस्ट के बीच हुए विवाद में चीफ फार्मासिस्ट वीरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। दोषी डॉक्टरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर NSA लगाने की मांग की जा रही है। वहीं इस महामारी से बचने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग को माना जा रहा है, ऐसे में अस्पताल में हुई यह घटना काफी शर्मनाक है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बहराइच से मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट।